जी सुनिए, बोलो, इधर आइए। इसका मतलब बताइए, हिंदी में क्या होगा? यार इंग्लिश का सेंटेंस तुम्हारे बस के नहीं है, तुम एक हाउसवाइफ हो, मैं कितनी बार समझा चुका, अपने काम से काम रखा करो, काम खत्म करके आओ जल्दी सोने के लिए, सोते हैं। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? भैया कहाँ? नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? मैं बस निकल ही रहा था यहाँ से, तो मैंने कहा भैया भाभी से मिल लेता हूँ। भाभी जी, आपको क्या, वो सब ठीक है? ये सेंटेंस बता दो, वो सेंटेंस बता दो, मैंने कहा तू हाउस वाइफ है, तू अपने काम से रखा कर, मतलब। अरे भैया, मैंने तो इसलिए पूछा था, मैंने कहा मुझे पता रहेगा तो मैं बच्चों को भी बता दूंगी। बिल्कुल भाभी। अरे भाभी, आप चिंता ही मत करो, आपने अपने फ़ोन में यू डिक्शनरी ऐप डाउनलोड करनी है, वो सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी लैंग्वेज को कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। हाँ, इंग्लिश से हिंदी, ठीक है? उसके बाद आपको जो भी सेंटेंस समझ नहीं आ रहा उसकी आप लीजिए यहाँ पे दबा के फोटो। आपको कौन सा सेंटेंस समझ नहीं आ रहा था? यहीं से। अच्छा, उसके बाद ओके दबा दीजिए, ऊपर आपके इंग्लिश का आ जाएगा और नीचे उसकी हिंदी में ट्रांसलेशन। इन साधारण व्यंजनों के साथ गर्मी को हरा दें। ये तो पूरा आ गया हिंदी में, अब मुझे इनसे कुछ नहीं पूछना पड़ेगा, इन्हीं के लिए कुछ नया बनाने के लिए सीख रही थी। ओके भाभी जी, ओके भैया, मैं निकलता हूँ और कल मैं आपको मीटिंग पे मिलता हूँ। और सर भाभी जी कैसे, क्या कर रहे हैं आजकल? फर्स्ट क्लास है, बहुत मेहनत कर रही है, एक कंपनी में जॉब करती है, 5 डे वीक होता है। और सर भाभी जी कैसे, क्या कर रहे हैं आजकल? किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है और वही 9 to 5 जॉब करती है, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी है, फुल हार्ड वर्क। हमारी वाइफ कुछ नहीं करती जी, वो कोई काम नहीं करती, घर पर रहती है, हाउस वाइफ है। भाभी सुबह कितने बजे उठती हैं? 6 बजे। 6 बजे, 6 बजे उठने के बाद क्या करते हैं? बच्चों को स्कूल भेजना है जी, उनका ब्रेकफास्ट है, लंच तैयार करती है। उसके बाद सर? उसके बाद हमारे जाने का टाइम हो जाता है, तो हमारे खाना पीना, हमारा ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद हमारा लंच पैक करती है, हम जाते हैं। उसके बाद सर? उसके बाद घर की सफाई है, बर्तन है, कपड़े हैं, सारे काम करती रहती हैं। उसके बाद सर? शाम को 5 बजे 5:30 हमारा आने का टाइम हो जाता है, तो मैं शाम को चाय के साथ पापड़ लेता हूँ। उसके बाद सर? उसके बाद शाम के खाने के टाइम में लग जाती है, काम में लग जाती है, रात तकरीबन 12 बजे के आसपास वो फ्री होकर सोती है। सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक भाभी जी काम करती हैं, और जब मैंने आपसे पूछा कि भाभी जी क्या काम करती हैं, तो आपने कितनी आसानी से बोल दिया वो हाउस वाइफ है, कोई काम नहीं करती। सर हाउस वाइफ वर्ल्ड का सबसे टफ जॉब है, 7 दिन काम है हफ्ते में, 365 दिन काम है साल में, कोई छुट्टी नहीं है, त्यौहार है तब भी छुट्टी नहीं है, आंधी है तूफान है तब भी छुट्टी नहीं है, ये बहुत ही थैंकलेस जॉब है, इसमें कोई अप्रिसिएशन भी नहीं है, बट उसके बावजूद वो हमेशा अपने आप को सेकंड रखती हैं और परिवार को पहले रखती हैं। आप जो सैक्रिफाइसेस करती हैं परिवार को एक रखने के लिए, वो कमाल है। आप सब हाउसवाइफ्स को हमारी तरफ से एक सैल्यूट है।